दोस्तों भारतीय क्रिकेट टीम के घरेलू सीजन का ऐलान बीसीसीआई ने कर दिया है। घरेलू सीजन में भारतीय टीम 14 टी20, 4 टेस्ट और 3 वनडे मैच खेलने वाली है। इस दौरान टीम इंडिया अपने घर पर न्यूजीलैंड, वेस्टइंडीज, श्रीलंका और साउथ अफ्रीका जैसी टीमों से भिड़ने वाली है। तो वहीं अप्रैल और मई में फैंस को एक बार फिर आईपीएल 2022 का शानदार नजारा देखने को मिलेगा। हालांकि दोस्तों भारत के घरेलू सीजन का आगाज नवम्बर से शुरू होगा जो की 19 जून तक चलेगा। सबसे पहले कीवी टीम भारत दौरे पर आएगी और अंत में साउथ अफ्रीकी टीम भारत का दौरा करेगी, जबकि टी20 वर्ल्ड कप के महज 3 दिन बाद ही भारत और न्यूजीलैंड के बीच जयपुर में टी20 मैचों की सीरीज शुरू हो जाएगी, जहां पहला टी20 17 नवंबर, दूसरा टी20 19 नवंबर और तीसरा मैच कोलकाता में 21 नवंबर को खेला जाएगा। तो वहीं टी20 के बाद 2 टेस्ट की सीरीज शुरू होगी। पहला टेस्ट कानपुर में 25 नवंबर और दूसरा टेस्ट मुंबई में 3 दिसंबर से शुरू होगा। इसके अलावा घरेलू सीजन की दूसरी सीरीज भारत और वेस्टइंडीज के बीच होगी, जिसमें 3 वनडे और 3 टी20 मैच खेले जाएंगे। वेस्टइंडीज की टीम 6 फरवरी को अहमदाबाद, 9 फरवरी को जयपुर और 12 फरवरी को कोलकाता में भारतीय टीम से वनडे मैच खेलेगी। साथ ही 15 फरवरी को कटक, 18 फरवरी को विशाखापट्टनम और 20 फरवरी को त्रिवेंद्रम में टी20 मैच होंगे। तो वहीं 25 फरवरी से भारत और श्रीलंका के बीच 2 मैचों की टेस्ट सीरीज होगी। पहला टेस्ट बेंगलुरु और दूसरा टेस्ट 5 मार्च से मोहाली में खेला जाएगा। इसके अलावा श्रीलंका से मोहाली, धर्मशाला और लखनऊ में टी20 मैच भी होंगे। टी20 मैच 13 मार्च, 15 मार्च और 18 मार्च को होंगे। इसके बाद अप्रैल और मई में आईपीएल 2022 का आयोजन होगा, जिसके शेड्यूल का ऐलान होना बाकी है। वहीं जून में भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 5 टी20 मैचों की सीरीज खेली जाएगी, जहां पहला टी20 9 जून को चेन्नई में खेला जाएगा। इसके बाद 12 जून को बेंगलुरु, 14 जून को नागपुर, 15 जून को राजकोट और 19 जून को दिल्ली में टी20 मैच खेले जाएंगे। दोस्तों इसी तरह की और क्रिकेट न्यूज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल में ऑल सेलेक्ट करना ना भूलें।